अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कपड़ों से जो हम लोगों ने लेके आए थे, तो वहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। दो दो से तीन दिन मैंने इफ्तारी का जो व्लॉग आप लोगों को नहीं दिया है, क्योंकि मेरे फैमिली में थोड़ी सी पार्टी थी, इफ्तार पार्टी थी, जो हम लोग वहाँ चले गए थे, तो घर में इफ्तारी नहीं बना पाई थी मैं, तो उसके लिए आप लोगों के साथ में वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो आए हैं, ईद कलेक्शन जो है वो आए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए कितने प्यारे प्यारे ईद कलेक्शन आए। तो ये देखिए, ये कॉटन में है, पाकिस्तानी लॉन, और दुपट्टा भी इसका कॉटन है, और डिज़ाइन तो पूछिए मत, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। देखिए कलर्स तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आए हैं। जैसे कि अभी जो रमज़ान, अभी जो ईद जो आएगी वो थोड़ी हमारी गर्मियों वाली आएगी, तो हम गर्मियों में इतने अच्छे अच्छे कपड़े मतलब कॉटन के पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें भरे भरे और वैसे ही पहन जैसा पहनते हैं वैसा, ज़रूरी नहीं है। ये भी देखिए कपड़े कितने खूबसूरत खूबसूरत है। और यहाँ देखिए, पहले ये कैटलॉग देख लीजिए कितने अच्छे हैं सब, कलर्स बहुत प्यारे लगे मुझे, एकदम रिच कलर है, रॉयल कलर है। देखिए कितने खूबसूरत कपड़े हैं। तो अभी ये इसके अंदर जो है, इसके पैच लेस सब कुछ इसके साथ में है, तो जब टेलर को आप दोगे तो पूरा उसके साथ में दीजिए, और पूरा ये जो फोटो के साथ में दोगे तो वैसे ही वो बना के देगा आपको। तो ये देखिए, और सबके अंदर कॉटन के दुपट्टे हैं। ये देखिए डबल शेड में, ये तो मुझे इतना खूबसूरत लगा है ना, सही में इतना खूबसूरत लगा है ये सब। कॉटन में इतने अच्छे अच्छे कपड़े रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा लगता है कि सब जॉर्जेट में और सिल्क विल्क में इतने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, कॉटन में ही इतने प्यारे प्यारे। ये देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत, सब में पैच रे और लेस सब कुछ दिया हुआ है। कलर्स देखिए आप, इतने बेहतरीन कलर्स हैं सब, और दुपट्टे भी इतने प्यारे प्यारे हैं ना, कि ईद में हम आराम से अपना दुपट्टा संभाल भी सकते हैं खाना वाना बनाने के टाइम, और ये पहन भी सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन कपड़े हैं ये। चलिए मैं थोड़े बहुत जो कपड़े हैं ना आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे कपड़े आए हैं। जैसा कि अभी ये पैक है तो ऊपर से डिज़ाइन और आप लोगों को इतना पता नहीं चल रहा होगा, और जो सबकी जो मैं रील बनाऊंगी वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम के पेज का नाम है रिवायत बाय नसीन शेख, तो वहाँ पर जाइए और ज़रूर आप लोग जाके वहाँ पर चेक करिए। तो देखिए, एक ये है मैंने निकाला है, देखिए कलर कितना प्यारा है। ये इसका फ्रंट है, और ये इसका है बैक, और ये स्लीव्स है इसकी आगे पीछे दोनों भी, और मलमल कॉटन होता है ना सॉफ्ट वाला वो है, और ये इसका पैच दिया है इसके साथ में इसका नेक बनाने के लिए। ये वो पिक्चर जो दिया है उसमें लगा दिखा के आप टेलर आपको बना के दे देगा, और ये स्लीव्स में जो है पैच लगेगा। और ये है उसकी शलवार, शलवार का कपड़ा है, आपको जैसा डिजाइन में चाहिए आप वैसा बना सकते हो। और ये रहा उसका दुपट्टा, ये देखिए कितना खूबसूरत है दुपट्टा उसका, कॉटन है, मलमल कॉटन, इतना प्यारा है। कैसा लगा आपको ये? मुझे तो बहुत प्यारे लगे सब डिजाइन। तो चलिए दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भी है, ये मारिया बी का है कपड़ा, ये एक कॉटन देखिए, और इसमें किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई है, और ये इसका स्लीव्स है, और ये इसका बैक है, और ये इसकी पैंट का कपड़ा है, और ये भी देखिए कितना खूबसूरत इसमें प्रिंट किया हुआ है, और कॉटन बहुत ही अच्छा कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है। और इसमें आपको दिया गया है ऐसा पैच, आप जैसा उसमें जो पिक्चर्स है वो दिखा के टेलर से बता के आप ये पैचेस लगा सकते हो, ये देखिए, और लेस भी है,
आपको जैसा लगाना है जहाँ पे वो है। और इसका दुपट्टा देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा है इसका, पूरा लुक तो दुपट्टे में ही आ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी किया है दुपट्टे में और कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और बाकी के जितने भी कपड़े हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके वो रील देख सकते हो, पोस्ट हमने किया है वहाँ पे, वो जाके देखिए क्या रिवायत बाय नसीन शेख पे। और चलिए मैंने आपको दो तीन कपड़े हैं जो बता दिया है खोल के, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हैं, आप जाइए इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करिए। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो मैं यूट्यूब फैमिली। कल का वीडियो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, कल थोड़ा जो ड्रेसेस आपने दिखाया था उसकी कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज है 11वीं शरीफ और 11वां रोजा, तो आज हम लोग जैसे कि मैं हर महीने अपने घर में बच्चों को बुला के खत्मे कादरिया करवाती हूँ और दुरूद शरीफ सब करवाने के बाद में खाना वाना जो है करवाती हूँ, तो इस बार थोड़ा हम इफ्तारी भी करवाएँगे खाना भी करवाएँगे, तो ये दावत है आज मेरे घर में। चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, इंशाल्लाह ताला बच्चे आएँगे पढ़ेंगे और उन लोगों के साथ में मैं अभी वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आज हमारे घर की इफ्तारी कैसी है। और खाना मैंने बाहर से ऑर्डर करवा दिया, इन्होंने कहा कि बाहर से ही करवा दिया। रमजान चालू है तो मेरे बोला ज़्यादा बनाने से अच्छा है कि बाहर से ऑर्डर करते हैं, बच्चे भी काफ़ी आएँगे, मौलाना मुफ्ती साहब भी रहेंगे, सब रहेंगे, तो बाहर से ऑर्डर करना अच्छा रहेगा। और हमने कुछ बच्चों के लिए इफ्तारी के लिए भी कुछ मंगाया है, फ्रूट भी काफ़ी कुछ लेके आया हूँ मैं, तो अभी हम उसको थोड़ा कटिंग वटिंग करके रखेंगे, शरबत बना के रखेंगे, शरबत बना ताकि बच्चों को इफ्तारी में अच्छे से अच्छा मिले। रमजान का महीना ही होता है नेकी करने का मौका, नेकी करने का, और नेकी नेकी में और एक नेकी हो जाती है कि हमारा हम इफ्तार भी करा रहे हैं, सवाब भी हासिल कर रहे हैं इसमें, तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। पहले तो हम फ्रूट काट के और शरबत बना के रेडी रखते हैं, खाना तो अपने टाइम पर आ जाएगा इफ्तारी के वक्त, तो चलिए ठीक है। तो चलिए अभी हम जो तैयारियाँ करेंगे, तैयारी कर लेते हैं, जो तैयारी करेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और ये देखिए ये सब फ्रूट्स आ चुका है, अभी इसकी कटिंग शुरू होने वाली है, तो कटिंग करने के लिए इनको मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ। थाला देखो इसके अंदर है, दो थाले हैं उधर पे, निकाल लो, दिखा आपको? हाँ, क्योंकि मैं नीचे जो काम की चीज़ रहती वो नीचे नहीं रखती, उसको मैं हटा देती हूँ ऊपर, क्यों बढ़ते वो मेरा जिपलॉक बैग का है। हाँ, तो दो 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 थाले होंगे शायद से, और बड़ा क्या है वो ऊपर? तीन थाले हैं। हाँ दे दो, तीन थाले दे दो ना, काम आएंगे अपने को। हाँ दे दो, निकालो। हाँ वॉश कर दूंगी अभी इसको मैं। हाँ ये देखिए थाले निकल चुके हैं, अभी इसको वॉश कर लेंगे और फ्रूट्स सारे कटिंग कर लेंगे, और फ्रूट्स जितने भी हैं वो अब कट कर लेंगे हम लोग, और घर को भी थोड़ा सा हम लोग साफ हाँ क्लीन कर लेंगे, पहले फ्रूट कट कर लेते हैं फिर उसके बाद क्लीन कर लेंगे ताकि जब बच्चे आए तो आराम से बैठ सके, वैसा क्लीन ही है घर। हाँ तो फिर अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और वैसे भी थोड़े जितने बर्तन थे मैंने धुल लिए हैं क्योंकि आज हमारे जो काम करने वाली दीदी है वो आई नहीं, आई नहीं तो धोखा दे दिया, काम वाली इनकी भाई, चलो बोला काम वाले बर्तन नहीं करना है, खुद का काम खुद करो, तो जान दो अभी थोड़े से जो तीन बर्तन ये धो लो आप, और फिर मिलके वो फूड काटते हैं, फटाफट बच्चे आने वाले हैं, तैयारी चलो ठीक है चलेगा। मैं जल्दी जल्दी इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में दिखाते हैं। देखिए ये धो रही है बर्तन, अच्छे धो, पता नहीं रखने से क्यों इसमें ऐसे स्टील में भी जंग लग जाता है आजकल, हां नहीं आता है। चलो आज अच्छा है कि इफ्तारी नहीं बनाना है, बाहर से आएगी सब इफ्तारी। हाँ आज इफ्तारी सारी बाहर से आएगी, बस खाली बर्तन धो दो, फ्रूट कटिंग करना है और शरबत बनाने का काम अपना है वो कर लेंगे, है ना? तो आप जल्दी से फटाफट प्लेट धो लो। यस कर लेंगे, फ्रूट कट करते हैं, और ये खरबूजे यहाँ रखे हैं नीचे, ये भी ले लो। हाँ ठीक है। देखो अभी आप एक काम करो, खरबूजा और पपैया आप कटिंग कर लो। ओके। और कलिंगर मैं कटिंग कर लूँगी। कलिंगर आप काटोगी और मैं क्या काटूँ? खरबूजा, ये जो है ना ये खरबूजा, खरबूजा और पपाया, क्यों ऐसा किस लिए? क्योंकि मतलब क्या उसको साफ करने थोड़ा टाइट हाथ लगता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा काम दिया मेरे को। लेकिन देखो फिर बाद में ये मत करना कि सिर्फ पपैया काट के मैं खरबूजा देना, क्या लेना आप खुद ले ली बता दो मुझे, ठीक है ना? काट ले, तुम शुरू तो करो काटना, क्या काटोगी? ठीक
ठीक है मैं काम करती, मैं पपैया तो नहीं काटूंगी। अरे पपैया मैं काटता हूँ। हाँ एक काम करो, पपैया कलिंगर आप ले लो, खरबूजा मैं ले लेती हूँ। ठीक है चलो चलेगा चलेगा। तो पहले शुरू कहाँ से करें? पहले एक एक कटिंगर कला कटा हुआ इसको इसको ले लो, और इसमें से कोई एक कलिंगर ले लो, एक पपैया, एक बड़ा पपैया ले लो, छोटा पपैया ले लो। ओके और एक केला है, और यहाँ से मैं खरबूजा ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये पानी को क्या करें यहाँ पे? अभी जैसे आप कटिंग करोगे ना, फिर जैसे आप धोते हो ना वहाँ लेके जाके, डायरेक्ट पानी में डाल के दो और फिर मैं उसमें कटिंग करना शुरू करो। ठीक है, थैली के अंदर उसके जितने भी बीज है सब सीड बीड उठा के रख देना। ठीक, मुझे एक प्लेट दे दो और चक्कू दे दो, चक्कू तो है यहाँ पे। तो आप एक में पपैया कटिंग करो बस। हाँ ये लो, मैं पपैया कटिंग करता हूँ। पहले आप येलो वाला ले लो। ये ले ली मैंने चक्कू। हाँ क्योंकि वो मेरे लिए चक्कू आप तोड़ दोगे। ठीक है, और ये आप पत्ती वाली आप ले लो। चलो, और अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैंने देखो चॉपिंग बोर्ड भी लेके आया है। नहीं हो जाएगा, मैं इधर यहाँ पे कटिंग करता हूँ। हाँ और आप वहाँ पे कटिंग शुरू करो। ठीक है चलिए, चलो आप करो जब तक सब छिलका का निकालो। ओके, तब तक मैं यहाँ पे खरबूजा कर लेती हूँ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। और घर भी साफ कर लिया, आपको दिखाते हैं। ये घर हो गया पूरा क्लीन, बस बच्चों के आने का इंतजार। तो ये देखिए, इनसे मैं नींबू कैसा काट रहा हूँ आप? हाँ खड़ा मत, खड़ा मत काटना। हाँ उसको उतना तो पता है, इतना पता है आपको। तो नींबू कितने काटना है अपने को? नींबू उतना पूरा काटो ना, ज़्यादा बना रहे हो ना, क्योंकि अभी नींबू थोड़ा एक दो तीन चार हुए हैं। हाँ पूरा जितना दी हूँ ना मैंने उतना पूरा काट दो उसको। तो इस तरह से मैं नींबू को स्वीट कर रहा हूँ दोनों हाथों से। क्या बात है माशाल्लाह, मेरे को तो एक हाथ से नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों नींबू को मैं निचोड़ दूंगा ताकि मैं जितना हो सकता है इसका रस निकाल लूँ और अच्छे से अच्छे हम नींबू शरबत बनाएं। जल्दी जल्दी फटाफट आप करिए, नींबू निचोड़ दो फिर आपको दिखाता हूँ कि नींबू शरबत कैसे बनाते हैं। यस, रमजान के महीने में जितना करो उतना कम है ऐसा लगता है ना। सही बात, ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं कर जाओ रमजान, बरकतों वाला महीना है। बताए ना क्या अल्लाह कहता है, एक दो में हजार दूंगा उसको, मतलब लेने का नहीं लेकिन करने में इतनी मजा आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। खिलाने में जो मजा है वो खाने में नहीं है। सच बोले, सही में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये महीना इतना प्यारा है, चलते रहे और हम रोज किसी ना किसी को खिलाते रहे, खिलाते रहे। वैसे तो हर साल करते ही रहना चाहिए, हर किसी की हेल्प करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें जो हम लोग को इसका सवाब दुगना तिगना होता है, दुगना तिगना ज्यादा हो जाता है रमजान में। रमजान में रोजे रखे आज आप, क्योंकि रोजे रखे किसी की भूख की प्यास की हम लोग को अहमियत पता चलती है ना। रोजा रखना भी चाहिए, रोजा रखना भी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। मेरा कुरान शरीफ जल्द से जल्द कंप्लीट होने आ गया है, मैं ज़्यादातर इसी में लगी हूँ कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए मेरा कुरान शरीफ, बहुत अच्छा लगता है। बरकतों वाला महीना है। हम लोग ने सहरी का व्लॉग अभी तक नहीं डाला है ना, सहरी में टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग ऐसे भी नतरा भी पढ़ के आते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाए तो खाए, फोदे होते हैं, ऑलरेडी लेट हो जाता है क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है। तो सहरी में डालेंगे, चाय पी लेते, रोटी खा लेते हैं हो सके तो, क्योंकि ज्यादा कोई सहरी में खाने होता नहीं, आपको तो पता ही है। मैं इंशाल्लाह एक दिन जरूर डालूंगी सहरी का व्लॉग, और उस दिन कुछ अच्छा बनाऊंगी और आपको जबरदस्ती खिलाऊंगी। ओके, एक दिन बनाएंगे हम। वैसे रोज पराठा चाय बनती है, खाते हैं हम लोग, तो उस दिन कुछ अच्छा बना के इनको। बाप रे ये हिल रहा है, तबीयत लगा के रखी हूँ तो हिल गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देख कितना नींबू हुआ आपका, चल रहा है धीरे 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 धीरे। हाँ ठीक है, देखिए अभी इतना बताओ इतना जूस निकल चुका है, और जूस निकल रहा है बेचारे नींबू का। तो नींबू का रस पूरा निकल चुका है, हमने छान भी लिया है, और अब हम इसको शक्कर और सूप डाल के इसको तैयार करते हैं।
अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। अपने अंदर इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, प्लेटें तैयार कर लेते हैं। तो चलिए क्या क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको। इफ्तारी का स्टार्टर भी आ चुका है, सब सामान। ये रशियन कबाब है, रशियन कबाब है, चटनी कबाब है, चिकन समोसा। अभी ये फ्रूट्स मुझे आप नीचे दे दो, मैं फ्रूट्स आपको देता हूँ, सब आप प्लेट तैयार कर लो। मैं प्लेट तैयार करके रख देती हूँ, तब तक बच्चे पढ़ लिए लेंगे। बच्चों लोग का पढ़ना भी कंप्लीट होने आया है और इफ्तारी का टाइम भी नजदीक, इफ्तारी का टाइम एकदम करीब आ चुका है। जल्दी से हम भर लेते हैं शरबत, सब जल्दी फटाफट हम कर लेते हैं। ना तो इसको ठंडा हो जाने दो। खाना भी आ चुका है, तो बच्चे लोग जो थे खाना खा के नहीं गए क्योंकि इफ्तारी के बाद उनको थोड़ा नमाज़ पढ़नी होती है और तरावी भी होती है। तो उनका कहना था कि हम खाना पार्सल लेके जाएंगे, तो हमने जो खाना आ चुका है अभी हमने सोचा है उनको खाना पैक करके दे देते हैं। तो ये आ चुका है खाना, अभी हम इसको खोलेंगे और बच्चे लोगों को पैक करके देते हैं, है ना। तो अब ये जाएंगे अभी तरावी पढ़ने, तो वहीं पे खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन। डब्बे में पार्सल कर दो, इसमें पैक कर दो और फिर ये सब खाना बच्चों को दे देते हैं। यस, खा लेंगे बच्चे। ये हो रहा है पार्सल। तो ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। तो हाँ, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके से लोगों को रोज़ा खुलवाइए, इफ्तार करवाइए, सहरी करवाइए, और बताइए ना रमज़ान में बहुत सी नेमतें बटोर लीजिए, अल्लाह से इतनी दुआ, अल्लाह ताला नेमतें बांट रहा है रमज़ान में, हाँ आप ले लीजिए। जैसे कि हम नियाज कराते हैं, लंगरें बांटते हैं, वैसे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में अपने दरवाजे सारे दरवाजे खोल दिए, रहमत के बरकत के सारे दरवाजे खोल दिए। मायूस जरा भी मत होइए, देखना जरूर अल्लाह की राह में दिल खोल के खर्चा करो, अल्लाह ताला और नवा देगा। और ना रमजान से ही ताजुद पढ़ने की नियत बना लो, उसके बाद आप लोग ताजुद कभी नहीं छोड़ोगे, देख लो आप लोग। तो इंशाल्लाह कुरान शरीफ जितना हो सके पूरी करने की कोशिश करिए। माशाल्लाह से हमारा कुरान शरीफ तो पूरा होने आया है, इनकी तरावी भी माशाल्लाह से चल रही है, तो बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं। और रोज़े तो माशाल्लाह पूछो मत, बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो मौसम है इससे ज़रा भी नहीं, अल्लाह ताला ने रमज़ान में रहमत बरसी है, आप बोल सकते हो, क्योंकि गर्मी का वक्त चल रहा है लेकिन हमें यहाँ ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने ठंडी ठंडी हवाएं चला रखी है हर जगह पे, आप देख सकते हो एकदम ठंडक का माहौल चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे इसलिए बोलता हूँ खोल रखे हैं। और जो ये मौसम इतना प्यारा है ना, समझ जाओ अल्लाह बहुत मेहरबान, अल्लाह हाँ अल्लाह ताला राजी है। आप मांग लो, दिल खोल के मांग लो, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम भी आप सबके लिए दुआ करेंगे, और हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, और आप लोग से मिलते हैं, जो भी हम लोग अपलोड करेंगे आप लोग शेयर करेंगे, जो भी हम लोग चीज करेंगे
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।